गाइज सारयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। वेलकम टू गिलज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गिलज मेंटोर दे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते एक बार फिर तुहाडे सारयां दा मैं तहे दिलों स्वागत करदा हाँ। गाइज जिवें कि तुसीं जानदे हो वार्ड अटेंडेंट दा जिहड़ा अपने लाइव टैसट नंबर 2 है अज। कल भी आपां एक लाइव टैसट लिता सी, तुसीं बहुत ही बेहतरीन तरीके नाल उहनूं अटैम्प्ट कीता। अज भी तुसीं सेम उसे तरह ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है गाइज। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, जिवें कि तुसीं जानते हो सिलेबस अनाउंस कर दिता गया है वार्ड अटेंडेंट का। नैक्सट मंथ तुहाडा एग्जाम है, तां करके दोस्तों इस वीडियो नूं बिल्कुल लास्ट तक देखियो ते सारयां ने कमेंट करने है, दसना है किन्ने क्वेश्चन तुहाडे सही होए है ते गलत होए है, ठीक है। ते जिहड़े क्वेश्चन तुहाडे गलत हुंदे है उहनां नूं जरूर तुसीं रिपीट करके एक बारी वीडियो नूं देखिया करो, ठीक है गाइज। सारयां ने अंदाजे लगाने हैं, जेकर तुसीं किसी नूं नहीं भी आंदा तां उहनां ने ट्राई जरूर करना है अटैम्प्ट करन दा, ठीक है दोस्तों। इनकी PDF जिहड़ी है वो साडी ऑफिशियल ऐप गिलज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ते मिल जाएगी। लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच गिवन है, डाउनलोड करो इंस्टॉल करो, ठीक है। ते PDF नू रिविजन लई तुसीं डाउनलोड कर सकते हो साडी ऐप तो, ठीक है दोस्तों। लाइव टैसट है स्पैशली फॉर वार्ड अटेंडेंट स्टूडेंट्स वास्ते, ठीक है। ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियो नू शेयर करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपां कि हेठ लिखे विचों केड़ी हल्की तात है। दोस्तों तुसीं दसना है कि इन चारों विचों केड़ी एहो जी तात है जिहड़ी सब तो हल्की है, मरकरी, सिल्वर, लिथियम या फिर लैड। जल्दी तो जल्दी जवाब दो। जिन्हें जने इस वीडियो नूं देख रहे हैं, तुसीं मैनूं डिमांड किया सी कि वीडियो जिहड़ी है वह पंजाबी विच आनी चाहिए है, जिहड़े क्वेश्चनस ने वह पंजाबी मीडियम विच होने चाहिए है। मैं पंजाबी मीडियम विच क्वेश्चन लेके आया हुण तुसीं जल्दी जो जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब देवो। तुसीं दसनी है कि इन्हां विचों हल्की तात कीड़ी है, मरकरी, सिल्वर, लिथियम या फिर लैड। दोस्तों इन्दे विच जिहड़ी लिथियम है वह सब तो हल्की तात है, ठीक है गाइज। आई होप तुहानूं सब कुछ समझ आ रहा होएगा ते तुसीं कमेंट भी कर रहे होवोगे। एल्यूमीनियम का सब तो महत्वपूर्ण तातु कीड़ा है इन्हां विचों? दोस्तों बॉक्साइट, कैलोमाइन या फिर कैलसाइट। दोस्तों अगर एल्यूमीनियम की गल करिए सब तो महत्वपूर्ण तात जिहड़ी है एल्यूमीनियम की वह बॉक्साइट है, ठीक है गाइज। एल्यूमीनियम का सब तो महत्वपूर्ण तत् बॉक्साइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चट्टाना। दोस्तों आप थर्ड क्वेश्चन की गल करिए चट्टाना और खनिजा विच सब तो वड्डी मात्रा विच मौजूद तत् केड़ा हुंदा है? चट्टाना और खनिजा विच सब तो वड्डी मात्रा विच मौजूद तत् दसना है कार्बन, सिलिकोन, हाइड्रोजन या फिर एल्यूमीनियम। जल्दी तो जल्दी जवाब देवो इहदा, दसो की होएगा आंसर। चट्टाना विच खनिजा विच सब तो वड्डी मात्रा विच मौजूद तत् दोस्तों केड़ा हुंदा है? वो हुंदा है अपना सिलिकोन, ठीक है। चट्टाना ते खनिजा विच सिलिकोन पाया जाता है सब तो वड्डी मात्रा विच। दोस्तों यूरिया का रसायनिक नाम दसना है फोर्थ क्वेश्चन विच। यूरिया, यूरिया का रसायनिक नाम केड़ा है? एनोरिन, क्लोरोटीन, कार्बेमाइड या फिर नन ऑफ दीस। जल्दी तो जल्दी जवाब देवो कि यूरिया का रसायनिक नाम की है, एनोराइन, क्लोरोटीन, कार्बेमाइड या फिर नन ऑफ दीस। दोस्तों यूरिया का जो रसायनिक नाम है वह है थोड़ा कार्बेमाइड। दोस्तों कॉपी पेन लेके इनू नोट करते जाओ, सारे क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट ने, ठीक है गाइज। उस तो बाद जवाब देना है पानी की स्थाई कठोरता जोड़ के दूर किया जाता है। दोस्तों जिहड़ी पानी की अपनी हार्डनैस हुंदी है उन्हें किवें घटाया जा सकता है, ये क्वेश्चन यह कह जा रहा है कि जिहड़ी पानी की हार्डनैस है उन्हें किवें घटा सकते हैं? पोटैशियम पैरमांगेट, क्लोराइन मिला के, ब्लीचिंग पाउडर मिला के पानी में या फिर वाशिंग सोडा। दोस्तों पानी की स्थाई कठोरता आप वाशिंग सोडा मिला के दूर कर सकते हैं, ठीक है गाइज। छेवा क्वेश्चन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पैरिस का फॉर्मूला दसना है तुम्हें। दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, प्लास्टर ऑफ पैरिस का फॉर्मूला जो है CaSO4, CaSO42H2O, CaSO4 4H2O या फिर फोर्थ क्वेश्चन है CaSO4H2O। दोस्तों अगर प्लास्टर ऑफ पैरिस की गल करिए उनका फार्मूला होता है CaSO4H2O, ठीक है गाइज। आप इतने ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सिंपल MCQ टाइप आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो मैं कमेंट कर दौ। दोस्तों LPG की फुल फॉर्म तुम लिख पा रहे हो, नोट कर लवो। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच मुख्य तौर पर शामिल कि गैसा होंगे है? मिथेन, इथेन, हैक्सेन, इथेन, हैक्सेन, नोनेन, मिथेन, बुटेन, प्रोपेन या फिर मिथेन, हैक्सेन या फिर नोनेन।
दोस्तों अगर आप LPG की गल करिए ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਥੇਨ ਬੂਟੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ LPG ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਥੇਨ ਬੂਟੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਗੈਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ LPG ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਟਲ ਜੋ ਫੋਟੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਫੋਟੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਕਰੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲਵਰ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਿਲਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼ ਸਿਲਵਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਟੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਰੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਫਰੈਂਸੀਅਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਥੀਅਮ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੈਂਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਪਿੱਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਲ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਉਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਤਲ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਆਟਜ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਆਟਜ ਕਲਾਕਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਕੁਆਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਆਟਰ ਕਲਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ ਸਿਲੀਕੋਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀ ਔਰ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕੁਆਟਜ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੋਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕੁਆਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੋਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਗੈਰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਥੋਰੀਅਮ ਪਲੋਟੋਨੀਅਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਰਕੋਨੀਅਮ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਥੋਰੀਅਮ ਪਲੋਟੋਨੀਅਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਰਕੋਨੀਅਮ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਗੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਰਕੋਨੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਣ ਡਾਲਟਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਣ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਲਟਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਟਮ ਮੋਲੀਕੂਲ ਕੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੋਇਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਐਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਡਾਲਟਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਸਟਮ ਆਪਾਂ 14ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਮ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਸਟਮ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ ਪੈਮਾਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ 1H1, 1H2, 6C12 ਜਾਂ ਫਿਰ 8O16 ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 6C12 ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ 15ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕੋਲੇਗਨ ਪੋਲੀਮਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਕ ਐਸਿਡ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਲੇਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਚਮੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੇਜਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਆਟਜ ਮੀਕਾ ਸੈਂਡ ਸਾਲਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਸਿਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਸਿਲੀਕੇਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਸਿਲੀਕੇਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਪੋਕਸੀ ਰੈਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇਪੋਕਸੀ ਰੈਜਨ ਨੂੰ
पूछा जाए कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मोथ रेपलेंट्स विच मिलाया जाता है, एंटी इनसैक्टीसाइड्स विच मिलाया जाता है, डिटर्जेंट बनाए जाते हैं, या फिर एडहेसिव विच यूज़ किया जाता है, इपोक्सी रेजिन दा। दोस्तों जल्दी तो जल्दी इनका जवाब दवो इस क्वेश्चन दा। इपोक्सी रेजिन की गल करिए दोस्तों थोड़ा ऑप्शन नंबर डी एडहेसिव विच यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइज, नोट करते जाओ ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जिहड़ा एक फाथम हुंदा है ना, फाथम तो सुनिया होगा, फैथम जिहड़ा है वो किस दे बराबर हुंदा है, तुहानू एग्जाम विच आवे कि एक फैथम इक्वल्स टू 6 मीटर 6 फीट या फिर 60 फीट, तो दोस्तों तुहाडा आंसर आएगा 6 फीट। एक फैथम जिहड़ा है वो 6 फीट दे बराबर हुंदा है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं, पिच या फिर आवाज़ की बरबनता नू मापन लई किहड़ी इकाई यूज़ की जाती है, कूलंब, हम, साइकिल या फिर डेसीबल। आवाज़ की बारंबरता नू मापन लई उनकी इकाई की है, कूलंब, हम, साइकिल या फिर डेसीबल। दोस्तों जल्दी तो जल्दी इनका जवाब दवो की आ सकता है। दोस्तों अगर आप आवाज़ की गल करिए कि आप बारंबरता किस तरह मापते हैं, तो आप डेसीबल में मापते हैं। ठीक है गाइज, आई होप तुहानू सब कुछ समझ आ रहा होएगा। कोई डाउट होए तो मैं प्लीज़ कमेंट करके दस दियो। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए थोड़े मन में। ठीक है, बिजली के कारण बारिश होंगी है, ये क्यों होंगी है? दोस्तों तुझे दसना है कि 20वें क्वेश्चन में बिजली के कारण बारिश होंगी है उसका कारण की है। इट कॉज कंबीनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के कंबीनेशन करके सम ऑफ द गैस मोलीक्यूल्स बिकम बिगर, जेडे गैस मोलीक्यूल हैं वो ज़्यादा वटे हो जाते हैं। इट एक्टिवेट H2O मोलीक्यूल, जेडे HTO मोलीक्यूल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। H2O दोस्तों वाटर नू ही कहने आप। ठीक है, या फिर फोटो इलैक्ट्रिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं उस करके। दोस्तों अगर आप बिजली के करके जी बारिश होंगी है उनका कारण होंगे है H2O मोलीक्यूल्स मोलीक्यूल्स जेडे एक्टिवेट हो जाते हैं उस करके बारिश होंगी है बिजली तो बाद। बिजली के कारण जी बारिश होंगी है दोस्तों उनका कारण की है, इट एक्टिवेट H2O मोलीक्यूल। ठीक है गाइज, ये सी अज दी क्वेश्चन। ठीक है, आई होप तुसी चंगे अटैम्प्ट किते होंगे। जेकर तुहाडे दोस्तों वधिया नंबर आए हैं तां वी तुसी दसना है, जेकर नंबर घट आया है तां वी तुसी मैनू कमेंट करके जरूर दसो तुहाडे नंबर किन्ने आए हैं। ठीक है, सारिआं ने कमेंट करना है। PDF तुसी सानू साडी ऐप ते जाके देख लियो, उहनू अपलोड कर दिता गया है। ठीक है, उन्होंने डाउनलोड कर लियो साडी ऐप नू, लिंक जिहड़ा है वो तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच गिवन है। धन्नवाद है तुहाडा सारा, तुहाडे सारिआं दा धन्नवाद है इस वीडियो नू देखण लई। ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, मिलांगे कल ऐसे टाइम लाइव टेस्ट नंबर 3rd विच। ठीक है, आपदा पढ़ते रहो, वीडियोस नू रिपीट कर करके देखते जाओ, शेयर करते रहो व्हाट्सएप फेसबुक पेजिस ते जिन्ने भी तुहाडे टैलीग्राम ग्रुप्स है। ठीक है, ते साडे टैलीग्राम ग्रुप ते व्हाट्सएप पेज नूं दोस्तों ज्वाइन करन लई जी भी तुहाडे जिहड़े लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच गिवन है। ठीक है गाइज, मिलांगे नैक्सट वीडियो विच। गॉड ब्लैस यू, टेक केयर।